तो आज की वीडियो न्यू कुमार सीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताएं कि आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, तो आप खुद घर बैठे अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अगर आपने लिंक किया है तो आप कैसे उसका स्टेटस चेक करेंगे कि लिंक है कि नहीं। तो चलिए आपको एक ब्राउज़र पर आ जाना है, यहाँ पर लिख देना है आपको NVSP लिख के आप सर्च कर देंगे। मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर देखिए, आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ये देखिए नीचे आना है, मैं बिना लॉगिन के भी बता रहा हूँ। ये देखिए डायरेक्ट कैसे आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए ट्रैक स्टेटस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है स्टेट अपनी, आपकी जो भी स्टेट है आपने लिंक कराया होगा तो आपको ट्रैक रेफरेंस नंबर मिला होगा। तो आपको ये देखिए यहाँ से आपको स्टेट चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको रेफरेंस आईडी नंबर डालना है, रेफरेंस आईडी नंबर आपको मिली होगी तो मैं अपनी डाल लेता हूँ। ये देखिए इसकी मत कीजिए दोस्तों, वीडियो को आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये देखिए, अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर और पर क्लिक करना और लाइक करना दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हमने देखिए हमने इसके बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया। ये देखिए यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी दिख गई। ये देखिए नीचे में आपको पूरी डिटेल दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर। और ये देखिए हमारा फॉर्म अभी, ये देखिए हमारा फॉर्म अभी अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ये देखिए अभी हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये देखिए मैंने काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, इसमें एक महीना हो गया लेकिन अभी इस पर काम नहीं हो रहा है। अभी ये सूचना लागू की गई लेकिन अभी इस पर वोटर विभाग ने अभी इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया है, इसकी वजह से ये अभी लिंक नहीं हुआ है दोस्तों। जब इस पर ये लिंक हो जाएगा तो हमारा एक्सेप्ट दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास रेफरेंस नंबर अगर ये नहीं है तो आप कैसे रेफरेंस नंबर निकालेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आप नीचे आ जाना है आपको बैक, देखिए बैक आ गए हम। बैक आ जाने के बाद देखिए अगर NVSP से आपने लॉगिन किया होगा तो आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। देखिए लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर अपना जो भी लॉगिन आईडी आपने बना रखा होगा तो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने पहली बार अगर आप आए हैं तो यहाँ पर न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए मेरा लॉगिन आईडी मेरे पास है तो यहाँ पर हम डाल लेंगे। ये देखिए हमने डाल लिया और यहाँ पर अपना ये कैप्चर जैसा है ऐसे डालना आपको। ये देखिए कैप्चर, उसके बाद लॉगिन कर देना है। ये देखिए लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसका, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है ये देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रेफरेंस नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जितनी भी आपने NVSP से फॉर्म आपने फिल किया है, अप्लाई किया है, ये सारे फॉर्म आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से बड़ी आसानी से आप अपना यहाँ से रेफरेंस नंबर, ये देखिए रेफरेंस नंबर आप यहाँ से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारी पूरी लिस्ट आ गई, हमने इतने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया, अप्लाई किया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी दोस्तों। तो आप बड़ी आसानी से दोस्तों अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते, स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैंने ऑनलाइन वीडियो बना रखी है कैसे ऑनलाइन आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से भी जाके अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर और पर क्लिक करना दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।